हेलो माय इम्परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोजेज फॉर्म के ऊपर, जो कि हमारी फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। और यार आज की वीडियो ना सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं आखिर डोजेज फॉर्म होती क्या है। तो यार जो हमारी दवाएं होती हैं, जो हमें मार्केट में अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती हैं, यानी कि हमारी कुछ दवाएं यहाँ पे हमें जैसे कि टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, कुछ दवाएं हमारी यहाँ पे कैप्सूल के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, कुछ दवाएं हमारी यहाँ पे जो हमें जो है क्रीम या फिर ऑइंटमेंट के फॉर्म में देखने को मिलती है, और यहाँ पे कुछ हमारी जो सिरप के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो ये जो हमारी कुछ अलग अलग फॉर्म होती है दवाओं की, ठीक है, इन्हीं को हम लोग सिंपली डोजेज फॉर्म बोलते हैं। यानी दवाओं की डोज की जो अलग अलग फॉर्म है उसी को हम लोग डोजेज फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन से देखना चाहें तो डोजेज फॉर्म आर द फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज। यानी कि हमारी जो दवाएं होती हैं, जो हमारी मार्केट में जिस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जब हम लोग दवाओं को मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो या तो हमें दवा सिरप के फॉर्म में मिलती है, या तो टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, या फिर क्रीम, या फिर देखो बहुत सारी फॉर्म होती है, जेल, ठीक है, तो उसी को हमारा सिंपली डोजेज फॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग समझना चाहें तो डोजेज फॉर्म को ही हम लोग मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली दो पार्ट से मिलके बना होता है। पहला होता है हमारा एपीआई और दूसरा होता है हमारा एक्सीपिएंट्स। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी जो दवाएं होती हैं वो हमें ये अलग अलग फॉर्म में क्यों देखने को मिलती हैं? यानी कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारी जो दवा है वो हमें टैबलेट के फॉर्म में ही देखने को मिलती, यानी सारी दवा हमारी टैबलेट के फॉर्म में होती, या फिर सारी दवा मान लीजिए हमारी सिरप के फॉर्म में होती। यार ये अलग अलग फॉर्म आखिर क्यों और कैसे, मतलब कैसे हमारी दवा अलग अलग फॉर्म में होती है? तो इन्हीं सब का आंसर हमारा यहाँ पे एक्सीपिएंट से हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो आज तक आप लोग को तो यही लगता होगा कि हमारी जो कोई दवा होती है वो हमारी पूरी की पूरी दवा होती है, यानी कि जब हम लोग कोई दवा खाते हैं तो वो अपना पूरा का पूरा असर अपनी दवा दिखाती है। बट ऐसा होता ही नहीं है। यानी कि अगर इसको हम लोग सिंपली समझना चाहें तो मान लीजिए आप लोगों ने देखा है कि पैरासीटामोल की जो हमारी टैबलेट है, ठीक है, वो हमारी साइज में इतनी बड़ी होती है। तो आप लोग को लगता होगा कि ये जो हमारी इतनी बड़ी दवा है ये पूरी की पूरी हमारी पैरासीटामोल है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली समझें तो हमारी पैरासीटामोल जो होती है, ठीक है, वो हमारी 500 एमजी की होती है। यानी कि आप लोगों को तो यही लगता होगा कि हमारी जो ये टैबलेट है ये पूरी की पूरी 500 एमजी पैरासीटामोल से है, जबकि ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे 500 एमजी तो सिर्फ इसमें एपीआई यानी मेन इन्ग्रीडियंट हमारा इसमें 500 एमजी है, और ये जो बाकी पार्ट है हमारा ये हमारा एक्सीपिएंट्स है। तो ये एक्सीपिएंट्स आखिर होता क्या है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे आज अच्छे से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या फिर इसी को हम लोग ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा एपीआई या फिर ड्रग होता है वो हमारा किसी दवा का मेन पार्ट होता है, ठीक है, दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेज इफेक्ट, यानी कि जो असल में अपना इफेक्ट दिखाता है। इट इज केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। यानी कि जब हम लोग को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका जो इलाज होता है वो हमारा एपीआई करता है, ना कि एक्सीपिएंट। यानी देखो सिंपली तो हम लोग इसको मेडिसिन के नाम से ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेडिसिन के अंदर भी जो हमारी जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उसको डायग्नोस यानी कि उसको ट्रीट करने का काम हमारा एपीआई करता है, उसके अंदर का एक्सीपिएंट्स नहीं। तो यार एक्सीपिएंट्स जब इसका कोई काम ही नहीं है तो उसको हमारी दवा में इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है, यानी कि क्यों हमारी दवाएं एक्सीपिएंट्स के साथ फॉर्मुलेट की जाती हैं? तो इन सब का ही आंसर अभी हम लोग नीड ऑफ डोजेज फॉर्म में देखेंगे। तो आप लोग यानी सिंपली यहाँ पे समझ गए, ठीक है, कि हमारी कोई पैरासीटामोल है, मान लीजिए वो हमारी पैरासीटामोल अगर इतनी बड़ी है तो उसमें जो एपीआई है वो हमारा सिर्फ इतना है, ठीक है, ये जो बाकी पार्ट है हमारा ये हमारा एक्सीपिएंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि एक्सीपिएंट्स का आखिर काम क्या है और एक्सीपिएंट्स हमारे क्यों यूज होते हैं। तो एक्सीपिएंट्स हमारे यहाँ पे इनर्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन यानी दवाओं को बनाने में यूज किए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे इनर्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि ये अक्रिय होते हैं, इनका खुद का कोई रिएक्शन नहीं होता है, और इट डजंट इंक्रीज और डिक्रीज द थेरापेटिक एक्शन ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी कि ये हमारा जो एपीआई होता है उसके एक्शन को ना तो बढ़ाते हैं ना तो घटाते हैं। तो यार यहीं से हमारा क्वेश्चन उठता है कि आखिर जब ये ना कोई अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना इनका कोई मतलब एक्शन है तो आखिर इनको क्यों हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे नीड ऑफ डोजेज फॉर्म में अभी बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो इसके अंदर अगर हम लोग कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें हमारा प्रिजर्वेटिव्स आ जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, और भी बहुत सारे एक्सीपिएंट्स हैं हमारे जो हमारी दवाओं के फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि हमारी ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है, तो यार देखो ड्रग और मेडिसिन में हमारा सिंपल डिफरेंस यही होता है, जो हमारा ड्रग होता है वो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि वो हमारा मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो हमें इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी दवा का,
और जो हमारी मेडिसिन होती है वो हमारी ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स को कंटेन करती है, यानी ड्रग हमारा सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी मेडिसिन के अंदर, और जो हमारी मेडिसिन होती है वो हमारी पूरी दवा होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एपीआई भी होता है, यानी बात करें सिंपली तो हमारा जो ड्रग होता है वो हमारी मेडिसिन के अंदर ही होता है, लेकिन हमारी मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन हमारी ड्रग और एक्सीपिएंट्स दोनों को कंटेन करती है साथ में। तो आई होप कि आप लोग को ड्रग और मेडिसिन में सिंपल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो नीड ऑफ डोजेज फॉर्म को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो हमारी दवाओं की अलग अलग डोजेज फॉर्म होती हैं, यानी ये जो हमारी कैप्सूल होती है या हमारी जो टैबलेट होती है या फिर जो हमारा सिरप होता है, तो ये हमारा एपीआई नहीं डिसाइड करता है, ये हमारा डिसाइड करता है हमारा एक्सीपिएंट। यानी देखो अगर इसको हम लोग सिंपली समझें, मान लो हमारा ये पार्ट कोई हमारा एपीआई है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग एक्सीपिएंट्स इसमें कौन सा मिला रहे हैं वही हमारा डोजेज फॉर्म को डिसाइड करता है। यानी सिंपली अगर हम लोग समझें तो मान लो अगर हम लोगों ने इसमें कोई सॉलिड एक्सीपिएंट्स मिलाया, ठीक है, तो वो हमारी दवा का फॉर्म हो जाएगा टैबलेट या फिर कैप्सूल या फिर और भी कोई सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग मान लो इसी एपीआई में हम लोगों ने यहाँ पे कोई लिक्विड एक्सीपिएंट्स मिला दिया, यानी कोई लिक्विड सॉल्यूशन मिला दिया, तो हमारी जो दवा है वो हमारी सिरप के फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। और मान लो इसी एक्सीपिएंट में हम लोगों ने कोई सेमी सॉलिड फॉर्म मिला दिया, ठीक है, तो वो हमारी जो दवा है वो हमारी क्रीम या फिर ऑइंटमेंट के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। यानी एक बात तो सिंपल समझ में आ गई कि हमारा जो दवाओं की अलग अलग डोजेज फॉर्म होती है वो हमारा एक्सीपिएंट्स डिसाइड करता है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने मेन पार्ट को, जो कि हमारा नीड ऑफ डोजेज फॉर्म, यानी कि क्यों हमें डोजेज फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसका जो नीड होता है वो होता है हमारा टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज। अच्छा, इसको यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो क्या होता है यार कि हमारी जो कुछ एपीआई होते हैं या फिर कुछ जो हमारी दवाएं होती हैं वो हमारी बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होती हैं, यानी कि कुछ दवाएं हमें सिर्फ जो है 10 mg या फिर 20 mg में चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यार अब अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता है कि जो 10 mg या फिर 20 mg का अमाउंट है ये हमारा लिटरली बहुत कम अमाउंट है, यानी कि वो हम लोग सिंपली अपने हाथ में लेके खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यार यहीं पे हमारे एक्सीपिएंट्स का मेन रोल आ जाता है, यानी कि हम लोग इस 10 mg जो हमारी मेन एपीआई होता है, ठीक है, इसको हम लोग हमारे एक्सीपिएंट्स के साथ मिक्स करके इसका एक मतलब ज़्यादा सा बड़ा अमाउंट बना लेते हैं, जिसको हम लोग कैप्सूल या फिर सिरप या फिर जो है हमारे टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें हमारी दवा की एक एक्यूरेट डोज मिल जाती है, ठीक है। अब अगर हम लोग अपना दूसरा देखें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि क्या होता है अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली इसी से समझना चाहें तो जो हमारा एपीआई होता है, ठीक है, अगर इसको हम लोग एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में रख देंगे तो हमारी जो एटमॉस्फेयर यानी हमारा जो वातावरण है उसमें हमारा जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर है, तो वो हमारे एपीआई को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें जब हम लोग एक्सीपिएंट्स को मिक्स कर देते हैं तो वो हमारे एपीआई को इस एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने तीसरे इंपॉर्टेंस की तरफ देखें तो जो कि होता है हमारा मास्किंग टेस्ट एंड कलर, यानी कि देखो क्या होता है कि हमारी कुछ जो दवाएं होती हैं वो हमारी बहुत ही ज्यादा उनका खराब टेस्ट होता है और उनका कलर भी कुछ कुछ लोगों को देखने में बहुत ज्यादा खराब लग सकता है। सिंपली समझे तो देखो उनका टेस्ट इतना ज्यादा खराब होता है कि उसको हम लोग थोड़ा सा भी खा नहीं सकते। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं कि अपना फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर स्वीटनिंग एजेंट्स या फिर हमारे कलरिंग एजेंट्स को मिक्स कर देते हैं, जो कि हमारे जो दवा होती है मेन एपीआई होता है उसके जो टेस्ट और कलर होता है उसको मास्क कर देता है। मास्क मतलब उसको छुपा देता है, यानी हमें जो अब हमारा जो टेस्ट या फिर कलर है वो हमें बेसिकली हमारे एक्सीपिएंट से देखने को मिलेगा और फायदा हमें हमारा एपीआई का मिल जाएगा। तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं हमारी दवा को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के। और अगर इसमें हम लोग अपना चौथा पॉइंट देखें तो टू प्रोवाइड लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि कुछ कुछ दवाएं जो हमें लिक्विड डोजेज फॉर्म में चाहिए होती है तो उसको हम लोग सिरप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी में अगर हम लोग अपना पांचवा पॉइंट देखें तो वो है हमारा फॉर इंजर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडीज ऑरिफेसेस। तो यार ये जो हमारा पांचवा पॉइंट है इसको जब हम लोग यूनिट 4 में सपोजिटरीज को रीड करेंगे तब आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने आज के लेक्चर के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। अब देखो हमारा जो डोजेज फॉर्म होती है उसको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला है हमारा बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा को हम लोग अपने बॉडी के किस पार्ट से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, मान लीजिए दवा अगर हमारी सॉलिड फॉर्म में है तो वो हमारी सॉलिड फॉर्म के अंदर हो गई, ठीक है, मान लीजिए लिक्विड के फॉर्म में है तो वो हमारी लिक्विड फिजिकल फॉर्म हो गई, और अगर सेमी सॉलिड के फॉर्म हो गई तो वो हमारी सेमी सॉलिड फॉर्म हो गई। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म हमारी डोजेज फॉर्म कैसे क्लासिफाई होती है। तो पहला इसका क्लासिफिकेशन होता है हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म, दूसरा होता है हमारा सिंपली लिक्विड डोजेज फॉर्म, तीसरा होता है हमारा सिंपली सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे दो दो सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें सॉलिड में होता है पहला हमारा यूनिट बल्क, लिक्विड में होता है हमारा बाईफेजिक और मोनोफेजिक, और सेमी सॉलिड के अंदर होता है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके सिंपली समझ लेते हैं।
तो जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी दवाएं हैं वो हमारी सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर भी सिंपली हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा यूनिट और दूसरा होता है हमारा बल्क। अब यूनिट और बल्क से हम लोग क्या समझते हैं कि देखो, यूनिट क्या होता है कि जैसे हमारी जो कोई टैबलेट या फिर कैप्सूल है, अगर इसको हम लोग सिंपली देखें, तो मान लीजिए अगर टैबलेट की बात करें, तो इसमें आप लोगों ने अगर एक टैबलेट ली कि हमें एक टैबलेट का हमें यूनिट सिंपल फॉर्म में देखने को मिल गया, तो इसी को हमारी यूनिट फॉर्म कहते हैं। यानी जब हमें दवा की कोई एक्यूरेट फॉर्म मिल जाए तो उसको हम लोग यूनिट फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें सॉलिड के अंदर बल्क फॉर्म की, तो बल्क का मतलब होता है कि जब हमें दवा का एक्यूरेट अंदाजा नहीं होता है। यानी इसके अंदर अगर हम लोग सिंपली समझें, तो जो हमारे रिफाइंड पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स हैं, डस्टिंग पाउडर है, तो क्या होता है कि जो हमारे ये पाउडर्स होते हैं, मान लीजिए हम लोगों को कोई पाउडर को कंज्यूम करना है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए डॉक्टर ने उसको दिया है कि आप लोग एक चम्मच लीजिए, तो एक चम्मच में भी आप लोग यार हर बार एक्यूरेट फॉर्म नहीं निकाल सकते। आप लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने एक चम्मच लिया है तो आज जो हम लोगों ने एक चम्मच लिया वो कल हम लोग जो एक चम्मच लेंगे उसके एकदम बराबर ही होगा। कुछ कम ज़्यादा यहाँ पे होता रहता है, यानी इसमें हम लोग एक्यूरेट अमाउंट का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, तो वो हमारा सिंपली बल्क फॉर्म हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा टैबलेट और कैप्सूल होता है, उसमें हमारा सिंपली ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा कैप्सूल होता है वो हमारा जेलेटिन से बना होता है, और जो हमारी टैबलेट्स होती हैं वो तो हमारी सिंपली यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट्स आप लोगों ने देखी होंगी। और यहाँ पे अगर बात करें पिल्स की, तो जो हमारी जो भी टैबलेट्स होती हैं या फिर कैप्सूल्स होती हैं, जब हमारी वो बहुत छोटे छोटे फॉर्म में देखने को मिलती हैं, तो उन्हीं को हम लोग पिल्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग बात करें अगर बल्क में, तो जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो भी हमारे कई अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यानी कुछ हमारे फाइन पाउडर्स होते हैं जो कि बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं पाउडर के, ठीक है, और ग्रैन्यूल्स यानी कुछ हमारे आप लोगों ने चूरन देखे होंगे, ठीक है, खाने वाले, तो उसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बहुत खुरदुरे और बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग ग्रैन्यूल्स फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और डस्टिंग पाउडर हमारा वो भी है, हमारा महीन पार्टिकल्स होता है। अब देखो, डस्टिंग पाउडर हमारा क्या होता है, जो लोगों ने यार कैंडिड पाउडर को तो देखा ही हो, हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं हमें, तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग डेंटिफ्रेसिस की, तो सिंपली यार जो भी हमारे दांतों को क्लीन करने वाले प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग डेंटिफ्रेसिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्नफ्स की, तो ये हमारे कुछ नेजल इनहेलर्स की तरह होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर हमारा पहला क्लासिफिकेशन है बाइफेजिक और दूसरा है हमारा मोनोफेजिक। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर हम लोग डेफिनेशन से ही समझे, तो मोनोफेजिक यानी जिसके अंदर हमारी सिंगल फेज हो, ठीक है, और बाईफेजिक यानी जिसके अंदर हमारी डबल फेज हो। यानी इसको अगर हम लोग सिंपली समझें, तो हमारे जो कुछ कुछ सिरप होते हैं, ठीक है, उसमें हमारी दो फेज होती हैं, यानी उसमें हमारे एक ही लिक्विड के अंदर दो अलग अलग इमिसिबल लिक्विड्स मिले रहते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारा जो दो मेन एग्जांपल्स हैं इमल्सन और सस्पेंशन, इसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी यूनिट है जिसको हम लोग को फार्मास्यूटिक्स में आगे पढ़ना है, तो वहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे बात करें अगर मोनोफेसिक की, तो ये तो सिंपल हमारा यानी कोई भी जो हमारे सिरप होते हैं, एलिक्जर होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, लोशंस होते हैं, ठीक है, थ्रोट पेंट, माउथ वॉशेज, इसका आप लोग को यार यहाँ पे बगल में पिक्चर्स में आइडिया लग रहा होगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। स्प्रेज होते हैं हमारे, आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, तो ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करें, तो इसके अंदर भी हमारे दो सब पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा इंटरनल, दूसरा हमारा एक्सटर्नल। अब देखो, इंटरनल का मतलब क्या है, सिंपली जो हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो हम लोग बॉडी के ऊपरी लेयर्स पे यूज करते हैं। तो देखो, इंटरनल के अंदर हमारा दो मेन एग्जांपल है हमारा सपोजिटरीज और पैसरीज। अब देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो सपोजिटरीज होता है उसके ऊपर हमारा यूनिट 4 का पूरा डेडिकेट यूनिट बनी हुई है, तो वहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। और अगर बात करें हमारे एक्सटर्नल की, तो यहाँ पे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्टेज, जेल, आप इन सबको तो जानते हैं कि स्किन के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमारे ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपनी डोजेज फॉर्म को क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोग जो हमारी दवाएं हैं उसको अपने बॉडी के किस पार्ट से अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी अपने अंदर हम लोग दवाओं को किस तरीके से ले रहे हैं। तो इसमें हमारे बेसिकली 6 सब पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है हमारा ओरल, दूसरा हमारा रेक्टल, और जो है तीसरा है हमारा टॉपिकल, चौथा है हमारा पैरेंट्रल, पांचवा हमारा नेजल, और छठा है हमारा ऑप्थैल्मिक। अब इसको देखो सिंपली अगर समझे, तो जो हमारा ओरल है, ओरल मतलब जब हम लोग अपनी दवाओं को अपने माउथ से कंज्यूम करते हैं, यानी जब हम लोग दवाओं को अपने मुंह से अंदर लेते हैं, तो वो हमारी ओरल के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमारी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन और हमारे कुछ जो पाउडर्स होते हैं। तो आप लोग को पता है कि टैबलेट को हम लोग कैसे लेते हैं, टैबलेट को हम लोग अपने जो है पानी के साथ मुंह से अंदर ही तो लेते हैं, तो वो हमारा सिंपली ओरल फॉर्म के अंदर आ गया। और रेक्टल फॉर्म की बात करें, तो यार ये हमारा जो हमारा रेक्टम होता है, ठीक है, वहाँ से हमारी कंज्यूम की जाती है। अब इसके अंदर देखो सिंपली हमारा वही सपोजिटरीज होता है, ठीक है, तो जैसा है मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग इसको यूनिट 4 में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देखो यार, मैं आप लोग को थोड़ा कितना भी समझा दूँ आप लोग को ज़्यादा समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पे जब हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तब आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा।
और अगर बात करें हम लोग अपने टॉपिकल फॉर्म की, तो टॉपिकल मतलब जो हम लोग अपने स्किन के लेयर पे अप्लाई करते हैं, यानी इसके अंदर हमारा आ जाता है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्टेज, लोशन, जेल, सॉल्यूशंस, यानी जो हम लोग स्किन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप लोग जैसे समझ रहे होंगे। और पैरेंटल की बात करें तो इसके अंदर हमारे जितने भी इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे आ जाते हैं, यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन आप लोग को पता है हम लोग कैसे लेते हैं, इंट्रावेनस का मतलब जो हम लोग नसों में लेते हैं, मस्कुलर का मतलब यानी जो हमारे मसल्स के अंदर हमारे इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें अगर अपने फिफ्थ पार्ट के बारे में, जो कि हमारा नेजल फॉर्म, तो इसके अंदर हम लोग बात करें जब हम लोग अपनी दवाओं को अपने नोज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो वो हमारी नेजल के अंदर आ जाता है। इसमें हमारे सिंपली नेजल ड्रॉप्स होते हैं, नेजल स्प्रेज होते हैं और हमारे एरोसॉल्स होते हैं, ठीक है। और ऑप्थेल्मिक का मतलब सिंपली हमारा आई, यानी कि जब हम लोग दवाओं को अपने आईज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो वो हमारा ऑप्थेल्मिक कैटेगरी के अंदर आ जाता है, जिसमें हमारे सिंपली आई ड्रॉप्स होते हैं और कुछ हमारे ऑप्थेल्मिक जेल्स होते हैं। तो यार देखो, आज का लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो हमारी सपोजिटरीज थी, जिसको आप लोग थोड़ा नहीं समझ पाए, तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से यूनिट 4 में देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग का और कोई डाउट हो आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोग वो कमेंट कर सकते हैं हमें, और नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।